हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड का इन्फ्लेशन टॉपिक। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे इन्फ्लेशन टॉपिक के। सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है हमें यूँ पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरली राइज इन प्राइस। जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो वो इन्फ्लेशन होती है। ए रेट विच द प्राइस राइज, किस रेट से हमारे जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस। इन्फ्लेशन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इन इंडिया, तो इसके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और थर्ड लास्ट ऑप्शन है हमारा लेबर ब्यूरो। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है कि हमने सीपीआई बताना है, प्राइस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशन, जो कि मंथली बेसिस से रिलेटेड है और बेस ईयर इसमें 2011-20 है जो कि रिलीज़ किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिकॉर्ड प्राइस बोथ गुड एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी ओनली गुड्स, ऑप्शन सी ओनली सर्विसेज और ऑप्शन डी है समटाइम गुड्स एंड समटाइम सर्विसेज। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा बनेगा ऑप्शन ए बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें हम दोनों का जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज उन दोनों का जो प्राइस है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रूरल बास्केट इसमें 448 आइटम्स की और अर्बन है वो हमारी 460 आइटम्स की इंक्लूड की जाती है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है WPI कवर द डैश कॉमोडिटीज। तो WPI में हमारी कितनी कॉमोडिटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, 697, ऑप्शन बी 789, ऑप्शन सी 455 और ऑप्शन डी है हमारा 456। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है हमारा ऑप्शन ए 697। जो WPI है वो 697 आइटम्स इंक्लूड की जाती है क्योंकि इसमें जो है वो प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन सबको इंक्लूड इसमें किया जाता है, तो जो कि कुल मिलाकर 697 होते हैं। इसमें जो 117 आइटम्स है वो प्राइमरी आर्टिकल्स की होती हैं और जो 16 आइटम्स होती है वो हमारी फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने ये बताना है हु रिलीज WPI डाटा इन इंडिया। WPI डाटा को इंडिया में किसने रिलीज़ किया। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने सबसे पहले WPI का डाटा दिया था। ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइज़र डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कैलकुलेट द WPI इट इज़ रिलीज। जो कि जो WPI है वो मंथली बेस पर रिलीज़ की जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट WPI इन इंडिया। WPI इज़ कैलकुलेटेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, WPI इज़ आल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, WPI इज़ कैलकुलेटेड फॉर सर्विसेज ओनली, या ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ द इज आर करेक्ट। तो इसमें हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें हमारी ऑप्शन बी इज करेक्ट, WPI इज आल्सो नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्योंकि ये सिर्फ गुड्स के केस में कैलकुलेट की जाती है, जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन WPI हेडलाइन इन्फ्लेशन हाईएस्ट वेट हैज़ बीन असाइंड टू प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स या ऑल हैव सेम वेट, कि सबका एक जैसा समान वेट होना चाहिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनका वेट 22.62% होता है, जो फ्यूल एंड पावर हैं उनका 13.15% होता है। तो इसलिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में आएगी जिसका वेट होता है 64.23 जो कि सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स आइटम
नोटेबली फूड्स एंड एनर्जी। तो ए ऑप्शन है हमारा फूड एंड एनर्जी, बी है फूड एंड कंप्यूटर, सी ऑप्शन है फूड एंड सर्विसेज और डी ऑप्शन है हमारा एनर्जी एंड सर्विसेज। तो कोर इन्फ्लेशन को इनमें से किस में एक्सक्लूड किया जाता है, तो राइट ऑप्शन है ए, फूड एंड एनर्जी के केस में जो कोर इन्फ्लेशन है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड आइटम फेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट। स्टूडेंट्स, ये हमारा इन्फ्लेशन का टॉपिक था जिसको हम आगे वाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।